Welcome to JD Eclipse. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. But any shocking results हैं और हमें admit करना चाहिए कि जितने भी analysis हुए उसमें nobody is accurate, right? तो ये 50 plus मैंने भी बोला था, तो दो साल पहले बता दिया था. Nothing has come true. और सबसे ज़्यादा shocking जो उत्तर प्रदेश, because अयोध्या मंदिर बनने के बाद और वो पूरी इकोसिस्टम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देने के बाद कम वोट्स आए और बड़े लीडर्स जो अयोध्या सीट तो हार रही है बीजेपी, आपको पता है कि अयोध्या सीट से हार गए. तो कुछ कुछ तो अजीब सा हुआ है उस उत्तर प्रदेश वाले स्टेट में. बाकी के स्टेट्स का शायद आपको प्लस माइनस कुछ रीजनिंग मिल भी जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश का तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है ऑन ग्राउंड. क्योंकि इतना इस प्रकार का वोटिंग दो ही सिचुएशन में हो सकता है, या तो वोटर ने तय किया है कि नहीं वोट देना, या तो उत्तर प्रदेश के वोटर्स ने तय किया था कि अखिलेश जी को देना है या राहुल गांधी इंडिया अलायंस, दो में से एक. नहीं वोट देने के लिए क्या रीज़न मिला हो सकता है, ये जांच का विषय है. क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी, पूरा डेवलपमेंट हुआ है तो डेवलपमेंट पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है. राम मंदिर कंप्लीट हुआ है उस पर भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आप लगा सकते. सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, हर एक तरीके से उस स्टेट में बढ़ोतरी हुई है. इसके बावजूद अगर वोट नहीं मिले हैं तो बड़ा ही जाँच का विषय, क्योंकि वो एक ही स्टेट ऐसा है जो मतलब सभी के एस्टिमेट्स, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, सभी के एस्टिमेट्स को रिवर्स कर गया है और उसी का एक बड़ा इम्पैक्ट आया है. जहाँ तक मुझे समझ में आता है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग थियोरीज चल रही है. कोई योगी जी को ब्लेम कर रहा है, कोई शाह जी को ब्लेम कर रहा है, अलग अलग ऐसे नरेटिव्स चल रहे हैं. पर जितना मुझे ये ब्लेम गेम चलेगा क्योंकि रिजल्ट कम आया है इसलिए, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, जो डेढ़ साल पहले से ये पूरा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाला जो नरेटिव स्क्रीन पे चला, उसको अखिलेश यादव और राहुल जी जो है वो ग्राउंड पे लेके गए और वो सक्सेसफुल हुआ है. यूपी एक कास्ट सेंसिटिव स्टेट है, ये हमें मानना पड़ेगा. तो बड़ा सो इससे जी इसको एक फैक्ट बता दूँ आपको कि आप डेढ़ वर्ष की बात करें, एक वर्ष से कम अंतराल में यहाँ पर पंचायत, जिला परिषद, कॉरपोरेशन चुनाव हुए हैं और उन्हीं सब ने बीजेपी ने एक तरफ से झंडा गाड़ा है. मतलब एक भी सीट नहीं मिली समाजवादी पार्टी को, ऐसी स्थिति हुई है. जी तो ऐसा भी नहीं है, मुझे लगता है कुछ और भी बातें हैं. एक बात जो बहुत प्रोमिनेंट आ रही है और जो हमने नोटिस भी की थी, कई बार हमने इसको मेंशन भी किया था, तो भैया ये जो योगी जी को साइडलाइन करने की जो ये चर्चा चल रही है, इसको आप मजबूती से इसका खंडन कीजिए. क्योंकि योगी जी में लोगों की, विशेषकर देखिए यूपी वन ऑफ द रेयर स्टेट्स है जहाँ पर जो सवर्ण है, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ जो है, दे 32%. इट इज़ अ रेयर स्टेट और कोई किसी भी स्टेट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है अपर कास्ट की. तो इस तरह का जब नरेटिव चला तो उसको जो जिस जोरदारी से खंडन करना चाहिए थे वो नहीं हुआ, एक बात. दूसरी बात, यूपी ऐसी स्टेट भी है जहां पर आरएसएस आज भी प्रभावी है. बहुत स्थानों पर हो सकता है कि भाई बीजेपी का काडर ज़्यादा मजबूत हो गया हो, गुजरात में हो सकता है, आर एस एस में नॉट मैटर, एट यूपी में आर एस एस मैटर्स. और जे पी नड्डा जी ने एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा मैं तो कहूँगा बयान दिया कि नाउ वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द आर एस एस. उसके तुरंत बाद जो फेजेज आए हैं आप देख लें, जो फिफ्थ सिक्स्थ फेज है उसमें आप जरा परफॉर्मेंस देख लें बीजेपी की. दोज आर द प्लेसेस वेयर बीजेपी हैज़ बीन ऑलमोस्ट. केवल जो गोरखपुर ज़िला है, और गोरखपुर ज़िला, देवरिया ज़िला जो
योगी जी का डायरेक्ट प्रभाव क्षेत्र है, वही सीटें बची हैं, बाकी पूरा बलिया, जौनपुर, आजमगढ़ सब फिनिश हो गए जी। तो संजय जी, इसमें मेरी समझ में ये आ रहा है कि जो मैं अभी भी बता रहा हूँ, अभी भी मुझे लगता है कि वो कास्ट वाला जो ग्राउंड पे लेके गए, इसका रीज़न मैं ये बताता हूँ। अच्छा, जो आपने जो पॉइंट छेड़ा है जेपी नड्डा जी के स्टेटमेंट का, ऐसा भी हो सकता है कि उसका कुछ एक प्रीवियस एपिसोड रहा हो जो शायद हमें नहीं पता हो, उसके बाद वो स्टेटमेंट आया हो, और ऐसा भी हो सकता है जो आप बता रहे हैं कि स्टेटमेंट आने के बाद इम्पैक्ट आया है, दोनों में से एक हो सकता है, वो तो हमें नहीं पता चलेगा कि क्या था। मैं तो आपको डेट स्टैम्प बता सकता हूँ। नहीं, वो आप वोटर्स का इम्पैक्ट बता रहे हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टेटमेंट किस वजह से आया था वो प्रीवियस वाला बैकग्राउंड हमें शायद ना पता। एनीवेज, लेकिन जो भी हुआ है इसको दे विल हैव टू सीरियसली इंट्रोस्पेक्ट। इसको आप देख सकते हैं, आप स्टडी कर लीजिए वाराणसी सीट को जी, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की लीड 4,70,000 से घट के और 1.5 लाख हो गई। वो वोट्स में इंपैक्ट आया, वो तो क्लियर दिख रहा है, पूरे स्टेट में आया है, पूरे उत्तर प्रदेश। तो सर्टनली जांच का विषय है, क्योंकि पार्टी के लिए भी वो इम्पोर्टेंट स्टेट है और नेशनल पॉलिटिक्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट स्टेट है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि इसकी सीट्स के बिना तो सेंट्रल में गवर्नमेंट मतलब रेयरली ही हो सकती है। तो बिल्कुल जांच का विषय है। आगे जाते हुए प्रश्न इस बात का है कि जिस स्पीड से रिफॉर्म्स के प्लान्स बनाए गए थे, अब उस रिफॉर्म्स की वो स्पीड होगी या नहीं होगी, दैट इज़ अ क्वेश्चन। और क्योंकि अब ये अलायंस गवर्नमेंट होगी जिसमें नीतीश जी हैं और जो चंद्रबाबू नायडू, और नीतीश जी कास्ट सेंसस के ओरिजिनल प्रमोटर वही है। हाँ, तो अब तो कास्ट वाले जो नरेटिव में उसको काउंटर करना भी थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज नाउ ही विल बी द अलायंस पार्टनर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैटर रहेगा पार्टी के लिए। जहाँ तक जेपी नड्डा जी का सवाल है, तो उनका तो वैसे ही टर्म कंप्लीट हो गया था एज पार्टी प्रेसिडेंट, तो वो तो नए प्रेसिडेंट मिलेंगे पार्टी को। लेकिन आज जो ये मोदी जी का स्पीच था, थोड़ा उनके फेस पे दिख रहा था, क्योंकि दुखी तो सबको ही है, जितने भी बीजेपी के सपोर्टर्स हैं सबको दुखी है, लेकिन स्टिल दे आर डिटरमाइंड, क्योंकि वो वर्क हार्ड करने वाली जो शैली है उनकी, वो तो पर्सनली उनके उसमें से जाने नहीं वाली, क्योंकि उनकी वो रोल है, उनका वो हैबिट है इतने साल का, इतने डिकेड्स प्लस का, तो वो हार्ड वर्क के लिए तो वो बने हैं और दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू। लेकिन प्रश्न अब यही है कि अलायंस को मैनेज करने के लिए रिफॉर्म्स के साथ, क्योंकि थर्ड टर्म में जो भी बड़े रिफॉर्म्स हम इतने टॉक से भी बात कर रहे थे, मोदी जी ने भी जो बताया था कि फर्स्ट 100 डेज और फिर उसको 125 डेज किया गया, क्योंकि जैसे आपने बताया कि कास्ट वाले पे तो नीतीश जी अड़े होंगे, और फिर अगर यूसीसी की बात आएगी, एक बात आपको बता दूं, हालांकि शुरू उन्होंने किया था, लेकिन उन्होंने उसको पुश नहीं किया, उसको लेके हमारे राहुल गांधी बाबा उड़ गए, वो नैरेटिव ले ली नीतीश ने एक बार भी, जब से वो शिफ्ट हुए इधर, हाँ, उसके बाद से फिर उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कास्ट सेंसस।